थोड़ा सा जो वो है टेंशन का माहौल जो है वो थोड़ा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ट्रिम करने के बाद डायरेक्टली मैं सो गया। ओके सो रेंज दिखा रहा 90 किलोमीटर एंड लेट्स गो। तो गाड़ी जो है वो एक वीक से बंद थी, तो दो तीन बार जो है वो मैंने सेल्फ मारा तो ट्राई किया ना भी चौके। और नहीं देखो अमन का फ़ोन आ रहा है कि वो कहाँ जा रहे हो आपको मैं आगे बताता हूँ, वरना तो अगर ये मैं अभी टाइम पर नहीं पूछा तो ये मेरे को सीरियसली जो है वो बहुत बोलने वाला है भाई साहब। 5 मिनट जो है सिर्फ, अरे देख लो इसको जो है हेलमेट पहना, इतनी जो है वो गर्मी होने लगी। और ये देखो अमन जो है वो रेडी हो चुका है, यू कैन सी राइट हियर। देख रहे हो ये फेस, देख रहे हो गुस्से वाला फेस है ये। चल चले। तो वैसे जामनगर जो है वो बहुत ही पीसफुल सिटी है, इतना कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं आता है। बट उसमें ऐसा है कि एक वीक आपको चाहिए, वीकेंड ऑफ चाहिए, एक शोर शराबे से दूर, यू नो। और ये कहाँ भगा रहा है, रुक जाओ अमन बेटा, बहुत जल्दी हो रही है भगाने की। हाँ, और अमन जो है वो अपनी बाइक जो है वो बहुत एक वीक में जो है वो भी निकालता है मेरी तरह। मैंने उसको बोला कि तू निकाला कर बाइक ज़्यादा, तो है वो उसको बोल रहा हूँ लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, तो अभी जो बाइक को जो है वो भूख लग रही है थोड़ी बहुत, तो मैंने बोला तेरे को जो है वो चल तेरे को मस्त सा कुजीन खिलाता हूँ रिलायंस के पेट्रोल पंप पे। चलो भाई, जो फ्यूल टॉप अप है वो तो हो चुका है। अरे भाई साहब ये बंद। हाँ चल, आप अगर आपके BMW में जो है पेट्रोल जो है वो फिलअप करते हो तो जितना हो सके उतना जो है एक पेट्रोल पंप से जो है वो ट्राई कीजिए बनाने की। ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट, मैं इधर से मेरा फिक्स होता है कि ये रिलायंस के पेट्रोल पंप फिलअप कराना, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप में ही फिलअप करवाऊँगा। हमारे पास कुछ ज़्यादा खास करने को था नहीं, तो मैंने अमन को बोला कि चल अपन थोड़ा ऐसे फ्रेश होके आते हैं, थोड़ा बहुत 7 सीजन्स एक सा हो तो एक दिन रुक जाते हैं। तो अमन ने बोला ठीक है आता हूँ चलो। तो अभी जा रहे हैं 7 सीजन्स, और अब जो वेदर है इतना प्लेजेंट वेदर है, काश ये वेदर जो है वो ऑल ईयर अराउंड जो है वो रहता। सीरियसली बॉस, वो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। और फाइनल जो है वो मैंने मेरा जो क्लियर वाइजर है, एज यू कैन सी राइट हियर, पता नहीं आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो पता नहीं, बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, बिकॉज ये जो कैमरा का ये जो सब एक्शन कैमरा के जो सेंसर है वो छोटे होते हैं, तो ये सब जो है वो रात के लिए नहीं होते हैं, डे टाइम में जो है आपको पता चल जाएगा। एंड क्लियरली जो है आई कैन सी नाउ एवरीथिंग, नो टेंशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अभी जो है मैं और अमन जो है वो चाय की जो है वो चुस्की मारेंगे एंड देखते हैं फिर आगे क्या करना है। तो अभी कुछ दिनों से पता नहीं मैं नोटिस कर रहा हूँ यूट्यूब में, ये जो मेरी स्पेसिफिक जो ये BMW GS है ये मॉडल, पता नहीं क्लच वायर का जो इशू है वो आ रहा है। अभी वो पता नहीं किस हिसाब से आ रहा है, 2-3 जनों को जो है मैंने उनके वीडियो देखे उनको पता नहीं इशू आ रहा है ये वाला। आई होप फिंगर्स क्रॉस मेरे को जो है वो इशू ना आए। अपनी बाइक जो है अभी फर्स्ट क्लास चल रही है, नो टेंशन एट ऑल, मक्खन चल रही है। तो अभी रात को जो वेदर है वो एकदम जो है वो प्लेजेंट हो जाता है, बट सुबह जो है वो ज़्यादा गर्मी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमको जो सुबह जो वेदर मिलता है वो इतना गर्म होता है कि ना वो कुछ मतलब फिर है नहीं बाहर निकलना है, अनलेस अनटिल यू राइड। इसलिए मैंने उनको बोला कि अभी जितने भी दिन जो विंटर में बाकी है वो जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं बाइक से निकलने के, बिकॉज गर्मी में फिर है वो इतना मज़ा नहीं जितना अभी जितना है वो मज़ा आ रहा है। यू कैन सी लाइटिंग भी है परफेक्ट है, एंड अपनी जो पार्किंग है वो इधर कर देते हैं। सॉरी, तो मेरी और अमन की जो बाइक इधर पार्क हो चुकी है, यू कैन सी ये अपना जो है वो पर्सनल पार्किंग जो है वो बाइक का हो चुका है। अमन बोलो के। तो गाइस डेस्टिनेशन पे है जो पहुंच चुके हैं। चल, अभी जो रूम में है वो हम लोग जो है अभी एंटर करने वाले हैं। लास्ट टाइम मेरे को जो है वो ये रूम नहीं मिला था, इस बार जो है वो मेरे को आई थिंक अलग रूम है वो मिला है। ओ भाई साहब, एसी चालू है? चल रहा है भाई।
तो गाइस जल्दी जल्दी मैं इंट्रो देना ही भूल गया वीडियो के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, फिट एंड स्टेइंग सेफ आल्सो। तो चलिए इंट्रो अभी इंट्रो जो है वो मैं बाथरूम में दूंगा। एनीवेज तो गाइस अभी जो है वो हम लोग ने चेक इन कर लिया है रूम में, एंड मैं और अमन जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो चिल विल करेंगे रूम में। एज यू कैन सी सामान जो है वो सभी इधर रख दिया है। एज यू कैन सी अमन जो है, और अभी मैं और अमन जो है वो चुस्की मारने जाएंगे चाय की, बिकॉज अभी जो है बहुत तलब लगी है चाय की। अमन जो है देखो अभी से जो आराम करने लगा है। तो गाइस अभी जो है वो कुछ खास करने को है नहीं, मैं और अमन जो है थोड़ी बहुत जो है वो चाय और गपशप बातें करेंगे, देन सो जाएंगे, और कुछ जो है वो खास करने को है नहीं। मिलते हैं कल सुबह, अगर मैं ये बातें करूँगा और ये सब करूँगा कॉन्टेंट जो है वो रिपीट हो जाए, एंड आई डोंट वॉन्ट कॉन्टेंट जो है वो रिपीट हो जाए। तो मिलते हैं कल सुबह, देख ले मच्छर जुड़ रहा है, और भाई साहब रूम में बहुत सारे मच्छर, और ये देखो रात के 1:30 बजे महाभारत देख रहा है आमिन आमिन। तो मेरे को रमन को जो है वो भी कॉफी की तलब लगी है, तलब तो नहीं बोल सकता पर भूख लगी। तो मैंने ये जो है लेके आया था इधर से आफरी कैफे करके, एंड मैंने ये बनाया, और अमन ने बोला क्या मीठा पानी बनाया है अमन जो है अभी नेस्कैफे की कॉफी बना रहा है। गुड मॉर्निंग पीपल, राइट नाउ इट्स 11:09 इन द मॉर्निंग, एंड मैं जो है वो थोड़ा जल्दी जो है वो उठ गया था। अमन जो है वो भी थोड़ी देर पहले जो है वो भी उठा है, एंड अभी जो है थोड़ा बहुत जो है वो फ्रेश फ्रेश होंगे, एंड विल चेक अप। ऑल्दो वी स्लेप्ट अ लिटिल बिट लेट, हम आई थिंक कितने 2-3 बजे सोए होंगे, 2-3 बजे जो। ऑल्दो मैं तो बहुत भाई फ्रेश उठा हूँ, अमन का मेरे को पता नहीं। अमन जो है वो अभी उठा, मैं थोड़ा बहुत जो है मेरी आँख जो है वो खुल गई थी बिकॉज ऑफ माय शेड्यूल जो है, मेरा जो शेड्यूल वो जल्दी आँख खोल दे रहा था। एंड अमन जो है वो भी ब्रेकफास्ट एंड करेगा, एंड देन विल चेक आउट। चलो इट वॉज अ वंडरफुल स्टे एंड रिफ्रेशिंग स्टे एज वेल लाइक ऑलवेज। अभी जो है अमन, एज यू कैन सी राइट हियर, गर्मी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, लाइक इतनी नहीं कि समर वाली गर्मी, बट गर्मी तो है बस। एंड वी रीच्ड होम, मेरे क्या ना मिनी हार्ट अटैक जो है वो आते थे रह गया। मैंने अभी मेरी बैग अनपैक कर रहा था, मैं अभी घर पे जब आया था अभी, मैंने उसमें देखा कैमरा तो है नहीं, मैंने बोला शिट यार कैमरा किधर गया। तो मैंने जल्दी सेवन पर फ़ोन किया कि भाई जल्दी देखो, तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी लाइट हुई कि भाई साहब कैमरा जो है, मैंने जल्दी जल्दी मेरे बैग में जो है वो स्पेस नहीं थी, तो मैंने ना वो अमन के बैग में रख दिया था। मैंने फटाफट अमन को फ़ोन किया कि भाई तू जल्दी आ कैमरा, घर पे तो आ गया हूँ फ्रेश फ्रेश हुआ। एंड देन अभी जो है तो अभी अमन एज यू कैन सी राइट हियर हैज़ जॉइन मी फॉर लंच। अमन के घर पर कोई था नहीं, तो मैंने बोला तू है ना मेरे घर पे आ जाओ, तो हम लोग खाएंगे। एज यू कैन सी राइट हियर अमन, व्हाट आर यू हैविंग? तो तेरे को पता, तेरे घर पे खाना, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? देखो तो अभी जो है मैं मेरा एक क्विक पावर नैप जो है वो लेते लेते रह गया, बिकॉज अभी जो है मेरे को एक फ़ोन आया मेरे बार्बर से, लाइक आ जाओ आपका जो है आपकी जो बारी है वो आ गई है, क्योंकि मैंने उसको जो है वो कल बोल के रखा था कि हो जाए, तो मुझे प्लीज़ इन्फो में कर देना, बिकॉज इधर जो है बहुत भीड़ हो जाती है, फिर मेरे को मज़ा नहीं आता, एंड वैसे भी आई बैडली नीड अ ट्रिप। ओके सो डन विथ द ट्रिमिंग सेशन, एज यू कैन सी द फेस फील्स सो मच लाइट एंड रिफ्रेश्ड आफ्टर दिस। चलो थैंक यू हरेश भाई, हेलो हरेश भाई। तो गाइस वो शॉट के बाद अभी जो मैं शॉट ले रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3-4 आवर्स, थोड़ा सा जो है वो है टेंशन का माहौल जो है वो थोड़ा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ट्रिम करने के बाद डायरेक्टली मैं सो गया नैप के, पावर नैप के नाम पे,
तो गाइस आज के लिए बस इतने रखते हैं। मेरी जो कीज़ है वो है ना वो खो चुकी है एंड मेरे को मिल नहीं रही है 3-4 घंटे से। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रही है। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक, गिव अ डिसलाइक इफ यू वॉन्ट टू। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। स्टे सेफ।